एक हफ्ते का समय बीत चुका है जब सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा के सत्संग के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस में पंडाल सजाया गया था। बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। एक हफ्ते के बाद हाथरस कांड की जांच करने वाली SIT ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। 855 पन्नों की इस रिपोर्ट में इस बाबा का नाम गायब है। बाबा ने हादसे के बाद वीडियो संदेश तो जारी कर दिया, लेकिन वो कहां पर है फिलहाल ये कोई नहीं जानता। ये कोई केतली नहीं बल्कि रहस्यों से भरी एक पोटली है। बाबा के आश्रम में मौजूद ये महज सफेद रंग के एल्यूमिनियम का एक बर्तन भर नहीं है, ये बाबा के कथित चमत्कारी संसार के अलादीन का चिराग है। इस केतली में कैद है रहस्यों से भरे बाबा नारायण साकार हरि की कल्पना की उड़ान वाली वो दुनिया जिसके पीछे दीवाने हैं बाबा के सैकड़ों भक्त। परमात्मा है या परमात्मा ही रहेंगे। जी जग से न्यारे हैं। जी सिस्टर की नारायण साकार। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस केतली के भीतर देश के लाखों लोगों का अंधविश्वास बंद है। ये वो केतली है जिसके भीतर मौजूद पेय पदार्थ को बाबा के भक्त बेहद अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण मानते हैं। वो काली चाय जिसके आगे मेडिकल साइंस की कोई कीमत नहीं है, इनका अंधविश्वास है कि ये चाय बड़े से बड़े रोग को ठीक करने की ताकत रखती है। परमात्मा है या परमात्मा ही रहेंगे। जग से न्यारे सब दुख बीमारी सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। टीवी हो कुछ भी हो सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। खांसी सांस सब दूर हो जाती हैं। अच्छा। जरा सोचिए ये कितना खतरनाक है जिन्हें टीबी जैसी भयानक बीमारी हो और वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय आश्रम में आकर हर मंगलवार को इस काली चाय का सेवन करके अपनी बीमारी ठीक करने का इंतजार करेंगे तो अपने साथ साथ कितने और लोगों तक संक्रमण को पहुँचाते होंगे। ये बाबा की विशेष काली चाय है। हाँ। अच्छा। हवा डावा भी होती है ना वो भी दूर हो जाती है, वो भी नहीं आती फिर। सब रोगों से छुटकारा हाँ, हो जाता है ये चाय पीने से। चाय पीना से लेकिन भोले बाबा के भक्तों के लिए ये काली चाय अमृत प्रसाद है। ABP न्यूज संवाददाता मंगलवार के दिन संभल में बाबा के आश्रम पहुँचे तो देखा वहाँ गिने चुने लोग ही मौजूद है, लेकिन इनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई थी। परमात्मा है या परमात्मा ही रहेंगे। जी जग से न्यारे हैं। जी सिस्टर की नारायण साकार। इसके बाद हम आश्रम के अंदर रसोई में पहुंचे तो हमें लकड़ी के तख्त पर रखी कथित चमत्कारी चाय के दर्शन हुए। जो आश्रम का जो रसोई है उसमें ये केतली जो है ये रखी हुई है और यहाँ पर जो भक्त हैं जब आते हैं तो वो ये जो चाय है इस चाय को पीते हैं। ये एक तरह का गिलोय का और नींबू का रस कह सकते हैं और ये यहाँ पर विशेष चाय है जिस चाय का जिक्र हो रहा है वो ये चाय है कि जो बाबा काली चाय पिलाते हैं और उससे दुख दूर हो जाते हैं। बाबा के आश्रम की कथित चमत्कारी चाय भी विशेष चूल्हे पर ही तैयार होती है। आश्रम के सेवादार ही इस चाय को भक्तों के लिए बनाते हैं। इसमें कई चीजें पड़ी हुई हैं, 12-13 चीज भरी हुई हैं। अच्छा, क्या क्या पड़ता है? लौंग। हाँ। काली मिर्च है। हाँ। और क्या नाम है वो दालचीनी और पीपरे, तेजपाल के पत्ते, अदरक, नींबू, काला नमक, गिलो, अच्छा, चाय की पत्ती, अच्छा, तुलसी, अच्छा, ये पड़ती हैं। इस चाय में दूध नहीं पड़ता है? दूध नहीं पड़ता है इसमें। अच्छा। हाँ। तो ये जो प्रसाद के रूप में दी जाती है इससे क्या लाभ होता है? लाभ होता है जिसकी मतलब इसे पीने से बुखार कम हो जाते हैं। डॉक्टरों ने भी बताया, पीछे बताया, अगर डॉक्टरों ने कि इसको पियो तो तुम्हारे बुखार खत्म हो जाएंगे। भक्त इस काली चाय को अमृत रस कहते हैं।
यहाँ भट्टी लगी हुई है। पूरी रसोई में हर तरफ बर्तन मौजूद है। इसी रसोई में भक्तों के लिए लंगर तैयार होता है। को हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भट्टी है वो लगी हुई है, इस पर लंगर जो है वो तैयार होता है भंडारे का, और उसके अलावा एक तरफ और एक ये चूल्हा बना हुआ है, और यहाँ पर चाय जो है वो विशेष तौर से सेवादारों को, भक्तों को, अनुयायियों को पिलाई जाती है। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद आप चलिए सीधे आगरा, जहां हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। आश्रम बंद है लेकिन सीढ़ियों को महिलाएं अपने पल्लू से साफ करती हुई दिखाई दे रही थी। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद बाबा के प्रति अटूट आस्था में इंच भर का फर्क भी नहीं आया है। हम इस समय खड़े हैं आगरा, आगरा सूरजपाल और उर्फ भोले बाबा का ये वही आश्रम है। यहाँ पे बताया जाता है कि मंगलवार को यहाँ दरबार लगता है, और यहाँ आप देख सकते हैं इनके सेवादार हैं, जो अनुयायी हैं वो आके यहाँ पे माथा टेक रहे हैं, और सुबह से ये तांता लगा हुआ है भक्तों का भोले बाबा के, और हम देख रहे हैं यहाँ महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। हमने आके यहाँ रियलिटी चेक किया तो हमको पाया कि यहाँ पे लगभग 100 महिलाएं से ज़्यादा महिलाएं दर्शन हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर अपने साड़ी के पल्लू से इसकी सफाई कर रही हैं। बाबा हर मंगलवार को ही अपना सत्संग करता था। हमने जब आगरा में आश्रम के दरवाजे पर माथा टेकने आई महिलाओं से बात की तो बाबा की तरफदारी करते हुए वो गरजने लगी। यहाँ नमन करने आते हैं अपने प्रभु के लिए, इष्ट देव के लिए, नारायण शाकर हरि के लिए। ये बताए उनका क्या दोष था? दोष क्या था? दोष ये है जो उन्होंने किया है, उन्होंने छल किया है, उनका रिजल्ट आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, मेरे नारायण शाकर हरि करेंगे, पूरा ब्रह्मांड के नायक है, इनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन जिन परिवारों ने भगदड़ में अपनों को खोया है वो बाबा के चमत्कार पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें सर जी प्रशासन का तो कोई दोष नहीं है, शासक का दोष है, क्योंकि अभी तक जो है बाबा के ऊपर कोई FIR नहीं हुई। बाबा किस बात का है? बाबा होता तो वहीं पे जो है जितने भी मृत्यु हुई तो वहीं जीवित होते। विनोद कुमार के परिवार ने भगदड़ में 3 सदस्यों को खोया। विनोद कुमार की माँ, पत्नी और बेटी की भगदड़ में मौत हो गई, और अब ये परिवार गुनाहों का हिसाब मांग रहा है। ये नहीं है कि ये सस्पेंड हो गई तो बहुत बड़ा काम हो गया, कोई काम बड़ा नहीं है। बाबा नहीं पकड़ा गया तो फिर कोई काम नहीं है, ये सब बेकार है। संतुष्टि उसी दिन आएगी जब बाबा सामने आएगा और अपने बयान देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों अपने भक्तों के लिए वो आगे क्यों नहीं आए अभी तक। आखिरकार 1 हफ्ते से 2 हफ्ते हुए चले जा रहे हैं, बाबा कहाँ आए अभी तक। पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी माँ, पत्नी और औलाद को खोया है वो बाबा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे पर चश्मदीदों से लेकर पीड़ित परिवार तक ऐसी कई आवाज है जो वजह गिना रही है और बता रही है कि बाबा से सवाल क्यों होने चाहिए। बावजूद इसके बाबा से कोई सवाल क्यों नहीं? सिर्फ छोटे लोगों को ही नाप कर क्या बड़े चेहरे को बचाया जा रहा है? क्या बाबा का नाम न लेने के पीछे वोट बैंक की राजनीति है? देखिए इस रिपोर्ट। वो 2 जुलाई की मनहूस तारीख थी जब सैकड़ों महिलाएं और बच्चे बदहवास होकर भागती भीड़ के पैरों के नीचे कुचल कर मारे गए थे। अभी तक जो है बाबा के ऊपर कोई FIR नहीं हुई। बाबा किस बात का है? बाबा होता तो वहीं पे जो है जितने भी मृत्यु हुई तो वहीं जीवित होते। बाबा को खत्म किया जाए, बाबा नहीं है, ढोंगी है, बिल्कुल नहीं है। बाबा वहां से निकले, भगदड़ मची, जब मालूम होने पड़ा, ऐसी बात नहीं उन्हें मालूम नहीं पड़ा तो बाबा को आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब जब बाबा वहाँ पे आए नहीं तो भैया उनको दोषी माना जाएगा, जो अपने आप को भगवान कहते हैं। 2 जुलाई को 121 मौत हो गई, अस्पताल लाशों से पट गए, लेकिन 1 हफ्ते बाद SIT ने जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी है उसमें बाबा को क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। SIT रिपोर्ट में लिखा है, साजिश से इनकार नहीं है पर गहन जांच की जरूरत है। आयोजकों की लापरवाही से हादसा हुआ है। भीड़ को आमंत्रण देने के बाद पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया।
लेकिन हाथरस कांड को लेकर एफआईआर से लेकर एसआईटी की रिपोर्ट तक कहीं बाबा का नाम नहीं है। ले रे के बाबा पे लाखों वोट है, वोट को चक्कर है जे सबरो, जे वोट चाहिए अरे के बाबा को, जब बाबा है का है, बाबा को जितने को नजर है जाए उतनी वोट चलो जातु है, जासू बाबा ना आरो चक्कर में। हाथरस कांड के चार दिन बाद तक बाबा लापता रहे और फिर अचानक उनका वीडियो संदेश सामने आया। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं, प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी में घड़ी से उबरने की शक्ति दें। और अब एबीपी न्यूज आपको बारी बारी वो वजहें बताने जा रहा है जो बाबा की भूमिका पर सवाल उठाती हैं। पहली वजह, चश्मदीदों के मुताबिक बाबा ने मंच से कहा था कि उनके चरणों की धूल हर तरह के दुख दर्द को दूर कर देगी और यही बात भगदड़ की वजह बनी। भोले बाबा जो हैं, जो सूरजपाल भोले बाबा जी हैं, उन्होंने मंच से ये कहा कि मेरी चरण रज से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी सभी विपता दूर हो जाएंगी। तो उस जब वो निकल के गए तो उनकी इस बात को लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने जो सुना तो उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे भीड़ चली। भीड़ जब चली तो वहां के सेवादारों ने डंडा से उनको रोकने का प्रयास किया।